नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। भारतीय टीम के लिए अब तक वर्ल्ड कप का अभियान काफी शानदार रहा। भारत ने अभी तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में उसे बेहतरीन जीत मिली है। सबसे खास बात तो यह है कि सभी मैच में अलग अलग खिलाड़ी मैच के हीरो रहे हैं। काफी वक्त के बाद भारतीय टीम इतनी मजबूत और एकजुट लग रही है। इसी बीच एक और खबर आई है जो भारतीय फैंस और खासकर विराट कोहली के फैंस को खुश कर सकती है। आपको बता दें कि विराट कोहली दुनिया के नंबर एक फील्डर बन गए हैं। विराट कोहली अक्सर अपनी फिटनेस और शानदार बल्लेबाजी की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं, पर अब वो अपने बेहतरीन फील्डिंग की वजह से भी चर्चा में बने हुए हैं। 34 साल की उम्र में भी कोहली चीते की रफ्तार से भागने में सक्षम है और आज भी वो कई युवाओं से ज़्यादा फिट नज़र आते हैं। ICC ने फील्डर्स की अपनी ताज़ा रैंकिंग अपडेट की है। इस वर्ल्ड कप में कोहली फील्डिंग इम्पैक्ट के मामले में नंबर एक हैं। कोहली को ICC ने 22.30 रेटिंग पॉइंट के साथ सबसे आगे रखा है। दूसरे और तीसरे स्थान पर रूट्स और वार्नर हैं। जानकारी के अनुसार ICC ने 3 मैच के आधार पर ये रैंकिंग तय की थी। खिलाड़ियों को अंक इस आधार पर दिया गया है कि खिलाड़ी ने कितने कैच पकड़े हैं, दबाव में कैसी फील्डिंग की और टीम के लिए उसने कितने रन बचाए हैं। सभी के मन में सवाल होगा कि रविंद्र कौन स्थान पर है। अगर वो टॉप 3 में नहीं है तो आपको बता दें कि रविंद्र 11वें नंबर पर आ रहे हैं। आज भारत और बांग्लादेश के बीच पुणे में एक मुकाबला हो रहा है। अगर बांग्लादेश आज भी ये मैच हार जाती है, उसके लिए टॉप 4 में जगह बनाना लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।